हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ का यूनिट फोर का चैप्टर करेंगे माय एल्डर ब्रदर। एल्डर होता है बड़ा, मेरा बड़ा भाई। ये जो स्टोरी है ये दो भाइयों की है, दोनों भाइयों की के प्यार की है और उनके एक दूसरे के प्रति जो उनके भावना है रिस्पेक्ट की, उसके बारे में है। और साथ ही इसमें ये बताया गया है कि जो एजुकेशन है, बच्चों की एजुकेशन, उसके लिए जितना किताबों से ज्ञान प्राप्त होता है उतना ही हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जो हमारे खेल हैं या जो हमारी दैनिक क्रियाएं हैं, उनसे भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हमें एजुकेशन के लिए दोनों ही चीज़ें जो हैं हमारे लिए बराबर का महत्व रखती हैं। नाउ वी स्टार्ट। दिस शॉर्ट प्ले is about two brothers who are affectionate and respectful to each other। कहती ये short play, ये छोटा नाटक जो है वो लगभग दो भाइयों के लिए है जो कि एक दूसरे के प्रति से अटैच हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं। द स्टोरी ऑल्सो शोज डैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसिस इज एज इम्पॉर्टेंट एज वट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल। कहती ये स्टोरी ये भी बताती है कि लर्निंग होता है सीखना, जो हम लर्निंग फ्रॉम डे टू डे एक्सपीरियंसेस, जो हमारे प्रतिदिन के अनुभव हैं उनसे जो सीखते हैं, इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज बट वी लर्न फ्रॉम बुक्स, वो भी उसकी तरह इम्पॉर्टेंट है जो कि हम किताबों में सीखते हैं। इन द स्कूल में जो बुक्स से हम सीखते हैं वो, और जो हम अपने प्रतिदिन की प्रतिक्रियाओं से, अनुभवों से सीखते हैं, वो दोनों की दोनों ही बराबर का महत्व रखते हैं। दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन फेमस स्टोरी इन हिंदी, बड़े भाई साहब। कहते ये स्टोरी जो है बेस्ड है एक प्ले के ऊपर जिसका नाम था बड़े भाई साहब, और ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी। अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सीन जो है इसका वो है अ हॉस्टल रूम, हॉस्टल के कमरे का। टू ब्रदर्स एज 9 and 14 years सीटिंग ऑफिस स्टडी टेबल। कहते दो भाई थे जो कि हॉस्टल के रूप में बैठे हुए थे। छोटा भाई 9 साल का और बड़ा 14 साल का था, और दोनों के जो है स्टडी टेबल पर बैठे हुए थे। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो बड़ा भाई जो है वो किताबें पढ़ रहा था, और छोटा वाला जो है जिसका नाम है मुन्ना, वो ड्राइंग कर रहा था। ड्राइंग किसकी? बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा था उसमें। भैया ने कहा, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना कहता है, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। तो भैया ने कहा, व्हेन विल यू स्टडी, तुम पढ़ोगे कब? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ थे? तो मुन्ना ने आंसर दिया, टर्निंग पेल का मतलब अपना मुंह के एक्सप्रेशंस जो हो गए उसके चेंज हो गए, थोड़ा सा उसको गुस्सा आया, बुरा लगा। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया, हाउ कैन यू सिट विद ए बुक फॉर आवर्स टुगेदर। कहते तुम जो है बुक के साथ कई घंटों तक कैसे बैठ सकते हो? भैया ने कहा, भैया दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। कहते हैं यह इसलिए है क्योंकि फाउंडेशन होता है बेटा नींव, कि मैं अपनी नींव को शिक्षा में, एजुकेशन में जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। इट इज़ द बेस, कहते ये जो है बेस है, इज़ स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। अगर बेस किसी चीज़ की, नींव स्ट्रॉन्ग होगी, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसके ऊपर बिल्डिंग भी अच्छे से खड़ी रहेगी। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कहते कई बार मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं। मुन्ना, तो फिर मुन्ना कहता है, भैया यू आर 5 year ओल्डर देन आई एम, आप मुझसे 5 साल बड़े हैं। एंड 3 classes अहेड ऑफ मी, और मुझसे 3 class आगे हैं। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, Why you keep writing the same word 20 times, कि क्यों आप एक ही शब्द को 20 बार लिखते हैं। One keep writing the again हो गया बेटा ये दोबारा One sentence more than 20 times, एक ही वाक्य को 20 बार लिखते हो। And copy poems several times in beautiful letters, और कोई भी कविता होती है
उसकी कॉपी कई बार सुंदर सुंदर अक्षरों में आप कैसे करते हो? तो भैया ने आंसर दिया, भैया यू नो, तुम जानते हो, स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले, कि इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, कहते किसी को इस विषय को लर्न करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, कहते इंग्लिश को अच्छे से लिखना और पढ़ना, ट्रिमेंडियस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस यू रन टू द फील्ड, लेकिन जब तुम्हें ऐसा चांस, ऐसा मौका प्राप्त हुआ होता है, यू रन टू द फील्ड, तुम खेल खेत में भाग जाते हो, प्ले मार्बल्स, कंचे खेलते हो, मार्बल होता है कंचे, एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और कागज़ की पतंग उड़ाते हो, और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, और बेकार अपने मित्रों के साथ मज़े के लिए बैठते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, तुम बैठ कर पढ़ते क्यों नहीं? तो मुन्ना आंसर देता है, ओ भैया देर इज़ ए बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो, कहते हैं आज गांव में बहुत बड़ा मेला है, शुड वी गो, हमें जाना चाहिए। भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच, तो भैया कहता है क्या तुमने मुझे कभी किसी मेले में या फिर किसी क्रिकेट का हॉकी का मैच देखने के लिए जाते देखा है? आई डोंट गो नियर दैम, मैं इनके नज़दीक भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक, मैं किताब पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन टू ईयर्स, कहते मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मुझे एक क्लास में दो साल से भी अधिक समय लग जाए। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, पर शायद तुम अपनी सारी जिंदगी एक ही क्लास में रहना चाहते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, कहते क्या तुम ये अपेक्षा रखते हो कि तुम पास हो जाओगे अगर तुम अपना सारा समय ऐसे ही खराब कर दोगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, कहते सीधे तौर पर तुम जो है अपने पिता की मेहनत की कमाई खराब कर रहे हो। मुना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीन स्कॉल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स वामा वामा हु आर हर्ड, कहते मुन्ना ने तभी रोना शुरू कर दिया, उसे डांट पड़ी ना, उसको डांट पड़ने पर उसने रोना शुरू कर दिया और सुबिंग साउंड सुबकियाँ लेने लगा, सुबकियाँ लेने पर आवाज़ आई जैसे वाह वाह वो वो इस तरह से उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी उसको। फिर मुन्ना ने कहा, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, कहते मुन्ना ने भैया से कहा कि मुझे ऐसा लगता है, आई फील मुझे महसूस होता है लाइक रनिंग अवे कि यहाँ से दूर भाग जाओ एंड गोइंग बैक होम और वापस घर चला जाऊँ। भैया नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, नाउ आप रोना बंद करो, पुट ऑन ए नाइस स्माइल और एक अच्छी सी स्माइल दो, मुस्कुराहट दो। लुक देखो आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, मैं तुम्हारे लिए एक समय सारणी बताता हूँ जिसे तुम फॉलो करना, अनुसरण करना। गेट अप एट डॉन, अब नीचे देखो, अब नीचे ही उसने उसका टाइम टेबल बना दिया कि किस समय तुम्हें क्या करना है। तो 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, कहते हैं 6 बजे उठकर तुम्हें अपने हाथ धोने हैं, ब्रेकफास्ट करना और पढ़ने के लिए बैठ जाना है। 6 से 8 बजे तक तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है, 8 से 9 बजे तक मैथ्स, 9 to 9:30 तक हिस्ट्री, फिर उसके बाद क्योंकि स्कूल जाते हैं तो उसके बाद 3:30 बजे देन ऑफ टू स्कूल, स्कूल से वापस है, 5 to 6 ग्रामर करने हैं और हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग घूमने के लिए आधा घंटा, 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन एंड आफ्टर दैट डिनर, 8 to 9 PM ट्रांसलेशन, 9 to 10 PM हिंदी एंड 10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट्स एंड देन गो टू बेड। तो ये उसके भैया ने उसके लिए टाइम टेबल बनाया। तो मुन्ना ने कहा, मुन्ना बट वेयर इज़ द टाइम टू प्ले, लेकिन इसमें खेलने का समय कहाँ है? भैया प्ले खेल, वट इज़ द नीड मुन्ना, मुन्ना इसकी ज़रूरत ही क्या है? मुन्ना ओह
आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे हरे खेत पसंद हैं। द जेंटल ब्रीज, विनम्र धीमी धीमी चलती हवा। आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, मुझे फुटबॉल की तरह कूदना पसंद है। आई लाइक द टच एंड गो एंड हू टू टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ बॉल। वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, कहते मुझे छूना और भागना और कबड्डी की हू तू तू की आवाज़ें और वॉलीबॉल के जो पुल्स, उसको वॉलीबॉल को मारना और पकड़ना, ये सारी चीज़ें जो है मुझे एक मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचती हैं। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, कहते जैसे ही मैं खेत फील्ड में होता हूँ, मैदान में होता हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सारी बातें भूल जाता हूँ। तो ये एक सीन था स्टडी टेबल का। इसके बाद ये दृश्य ख़त्म होने पर नेक्स्ट सीन स्टार्ट हो गया, सीन नंबर 2 है ये। द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिज़ल्ट आर आउट, जब उनके फाइनल एग्ज़ाम हो जाते हैं और रिज़ल्ट आता है, तो वो सीन है ये। भैया अलास आई हैव फेल्ड वन अगेन, भैया कहते हैं हाय आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं एक बार फिर फेल हो गया। मुन्ना ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, लेकिन मुन्ना ने कहा बट भैया आई हैव पास्ड, मैं पास हूँ, एंड टॉप्ड माई क्लास, और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। नाउ देर इज़ ओनली 2 ईयर्स डिफरेंस बिटवीन अस, अब आप में और मुझ में सिर्फ 2 साल का ही अंतर है। भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, भैया ने कहा मेरे प्यारे भाई इतना घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक डैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, कहते तुमने सिर्फ 1 क्लास पास की है और तुम ये सोचते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, एंड यू आर स्मार्ट और तुम स्मार्ट हो। वंस इन ए वाइल इन ए गुली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट ए गोल, कहते एक बार गुल्ली डंडा के खेल में तुम लकी हो सकते हो और गोल प्राप्त कर सकते हो, हिट कर सकते हो उसको, गुल्ली को। बट परंतु डैट डजंट मीन, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है। यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुम उस गेम के मास्टर हो, उसमें निपुण हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए मेहनत तो करनी ही है। वेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक एल्जेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, कहते जब तुम बड़ी क्लासेस में एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के बारे में पढ़ोगे तब तुम समझोगे कि कड़ी मेहनत की का महत्व क्या है। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ए सी बी इंस्टेड ऑफ ए बी सी द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, कहते ज्योमेट्री में अगर तुम्हें ए बी सी लिखना है और तुमने ए सी बी लिख दिया तो तुम्हारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर यानी कि जो परीक्षाएं चेक करेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाई वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, वे ये चाहते हैं कि तुम किताबों में से वर्ड बाई वर्ड लर्न करो। मुन्ना ओ भाई साहब This is scary. I don't think I want to go to the 9th class now. कहते हैं भाई साहब this is scary, यह मुश्किल है। I don't think मैं नहीं सोचता। I want to go to the 9th class now. मैं अब 9th class में हूँ। But I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. कहते परंतु I will still complete, मैं अब भी पूरा कर लेता हूँ, my day's homework, मेरा दिन का होमवर्क, सो डैट इसलिए आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, इसलिए मुझे क्लास में पनिशमेंट नहीं मिलती। भैया जस्ट टुडे, केवल आज, वी वर आस्क टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंचुअलिटी इन 4 पेजेस, भैया ने कहा जस्ट टुडे अभी आज ही वी वर आस्क, हमें कहा गया है टू राइट लिखने के लिए अ शॉर्ट एसे, एक छोटा सा प्रस्ताव ऑन द टॉपिक ऑफ पंचुअलिटी, पंचुअलिटी पर 4 पेजेस का। एंड इमेजिन, और इमेजिन करो, कल्पना करो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, क्या कोई चीज़ 4 पेजेस पर लिखी जा सकती है और वो भी संक्षिप्त रूप में। इट्स ऑल्सो मिक्सड अप, यह सब कुछ जो है बहुत ही मिक्सड अप है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, जोर से सोचते हुए, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स,
कि अब जो है स्कूल का समय है, यानी कि वो अपने भाई की बातों से बहुत परेशान हो जाता है। तो वो कहता है थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गो ऑन एंड ऑन। कहते जो डांट जो है वो तो लंबी चलती जा रही थी और चलती जा रही थी। आज हम इतना ही